गायघाट प्रखंड क्षेत्र के इलाकों में कई हेक्टेयर भूमि में जलजमाव की वजह से रबी फसल बुआई में काफी देर हो जाती है। किसानों का बताना है कि जल निकासी की मांग और इसकी व्यवस्था कई साल पहले से की जा रही है। 20-25 गांव पड़ रहा है वाटरवेज के अंदर में, सब क्षतिग्रस्त रहता है वाटरवेज के कारण। इधर जो है बांध बंद नहीं रहा है, मुआवजा सरकार दे नहीं रही है, जिसके कारण जो है लोग रोके हुए है कि भाई मुआवजा मिल जाए तब जो है काम हो इधर। लेकिन सरकार इस पर जो है कहीं कोई जो है मतलब सुनवाई नहीं रही। चार साल से जो है पड़ा हुआ है सब, तो हम लोग निर्णय है और जो इस सब का जो है मुआवजा होना चाहिए। मुआवजा दे के सरकार काम कर्ज करवावे और सारा पानी उधर का जो है सब हम लोग के इनमें घुस जाता है, हम लोग के क्षेत्र में घुस के हम लोग के घर में इतना इतना पानी। इस साल तो बाढ़ पानी नहीं आया तो कहाँ से जो है। क्या परिचय हुआ आपका? जी मेरा नाम श्रवण कुमार सिंह हुआ। कौन सा इलाका हुआ? केवटसा पंचायत में भी आप खड़े हैं, नेचाई के बगल में। हजारों हेक्टेयर भूमि में जहां जल जमाव की वजह से फसल बुआई में काफी देर हो जाती है। लोग इतना मेहनत करके अति ग्रहण जो हुआ था पहले का नक्शा जी, उस पर कंप्लेंट करके मुख्यमंत्री के रीजन में वह जो फाइनल हुआ जी, उसमें परमानेंट का पैसा मिला और बीच में जो वास स्थान का पैसा मिलना था वो अभी तक मिला नहीं, जिसके चलते नेता लोगों का नेतागिरी के चलते यह रुका हुआ। इस रुकने के चलते पैसा भी सरकार का कुछ इसमें व्यय हो चुका है और जमीन भी बहुत तटबंध में फंसा हुआ है। वहाँ तक बना गया मेजरगंज से यहाँ तक तो जमीन फंसा हुआ। अब फिर भी हम लोग दहनाल से घर में रहने का जनजीवन डार भर पानी लग जाता है, इसलिए तटबंध होना तो अति आवश्यक है। हमने किसानों से बातचीत की और उनसे समझने की कोशिश की। किसान मरा या बचा, यहाँ तो ये राजनीति हो रहा है कि किसान का दुगुनी फायदा हम देंगे। फायदा क्या हो रहा है? 14,000 एकड़ पर गेहूँ का खर्चा पड़ रहा है, 10 क्विंटल का दाम 10 जोड़े 15,000 हुआ, 6 महीना का ब्याज कौन देगा? दीपक कुमार तिवारी, A to Z News Live, मुजफ्फरपुर, बिहार।